गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू मोरल क्लास। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 बेस्ड ऑन चैप्टर्स 4 to 6। तो यहाँ पे चैप्टर्स 4 to 6 के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो हमें यहाँ पे देखना है, राइट? सो ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो ऑप्शन है आपको दिए है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। ओके, सो फर्स्ट रुचि वॉज स्टडिंग इन ग्रेड डैश। सो ऑप्शंस A 3, B 4, C 5, D 6। तो रुचि कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही थी? थर्ड स्टैंडर्ड में, राइट? सो आंसर ए के सामने आप टिक करेंगे। When did Ruchi miss her school bus? So Ruchi ने अपनी school bus कब miss की? So A on a hot day, B on a rainy day, C on a cold day, D none of this। So गर्मी के दिन में, बारिश के दिन में, cold यानी कि ठंडी के दिन में, या फिर इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी ऑन अ रेनी डे, राइट? तो रुचि ने बारिश के दिन अपनी स्कूल बस मिस कर दी थी। थर्ड, ही मेंट्स आर शूज। तो हमारे शूज कौन बनाता है, कौन ठीक करता है? ए कॉबलर, बी बार्बर, सी स्वीपर या डी वॉशरमैन। सो कौन आएगा? आंसर इज ए कॉबलर यानी कि मोची। बार्बर तो नाई, स्वीपर जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, और वॉशरमैन यानी कि धोबी। तो शूज हमारे कॉबलर बनाता है। फोर्थ, ही वॉशेस आर डर्टी क्लोथ्स डैश। तो हमारे गंदे मैले कपड़े कौन धोता है? ए स्वीपर, बी वॉशरमैन, सी बार्बर, डी कॉबलर। सो ऑप्शन राइट आंसर इज बी वॉशरमैन, धोबी। फाइव, ट्रीज सेव अस फ्रॉम। तो वृक्ष हमें किससे बचाते हैं? ए रेन, बी हीट ऑफ द सन, सी गेटिंग इल, डी स्नोफॉल। सो आपको पता है ट्री हमें सूर्य की गर्मी से बचाते हैं, सो हीट ऑफ द सन। सो वहाँ पे आप टिक मार्क करोगे। बी राइट टी फॉर टू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट सही है वहाँ पे आपको टी लिखना है यानी कि ट्रू, और जो गलत है वहाँ पे एफ यानी कि फॉल्स लिखना है। सो फर्स्ट, रुचि डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। रुचि रेगुलरली स्टडी नहीं करती थी, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज यू नो रुचि स्टडीड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। उसने पूरे साल रेगुलर स्टडी की थी, राइट? सो ये जो स्टेटमेंट है, रुचि डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। सेकेंड, रुचि स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। रुचि क्लास में फर्स्ट आती थी, राइट? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, टी। थर्ड, अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स गार्डन्स एंड पार्क्स। तो जो गार्डनर है यानी कि माली, वो हमारे पेड़ पौधे और बगीचे की देखभाल करते हैं, राइट? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अ कॉबलर वॉशेस आर क्लोथ्स। तो मोची हमारे कपड़े धोता है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? कौन धोता है? वॉशरमैन। और कॉबलर क्या करता है? ही मेंट आर शूज, राइट? सो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सो राइट एफ। फाइव,
वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ट्रीज, हमें हमारे वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर यानी कि देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टी 6, इट इज नॉट अ सीन टू कट ट्रीज। तो हमने क्या सीखा है, इट इज नॉट अ सीन टू कट ट्रीज। तो ये स्टेटमेंट है कि अगर आप वृक्ष को कट करते हो तो ये पाप नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इट इज सीन टू कट अ ट्रीज, राइट। सो वृक्ष को काटना पाप है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है नॉट अ सीन। सो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे बिकॉज इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ चिल्ड्रन विल गो टू पेज नंबर 31, समेटिव असेसमेंट 1। यानी कि ये जो असेसमेंट है इसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 1-6। ओके, सो ए फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे आपको जो ब्लैंक्स दी है उसको आपको फिल करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, वुमन आस्क द बॉय टू स्टेप डैश द हट। सो औरत थी, उसने बच्चे को क्या पूछा कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, तो जो झोपड़ी के बाहर क्यों खड़े हो, क्योंकि जब जो औरत थी वो मैंगोज लेके अंदर गई तो बच्चा उसके पीछे घर के अंदर झोपड़ी के अंदर नहीं गया, राइट, वो बाहर ही खड़ा था। तो जब वो वापस आई तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं आए, यानी कि बाहर क्यों खड़े हो। सो यहाँ पे आंसर आएगा बॉय टू स्टेप आउटसाइड द हट। सेकेंड, ट्रू सर्विस ऑफ पेरेंट्स इज द ट्रू सर्विस ऑफ डैश। तो माता पिता की जो सच्ची सेवा है वो किसके बराबर है, तो वो भगवान की सेवा के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा गॉड, ट्रू सर्विस ऑफ गॉड। थर्ड, अकबर क्या था, एम्परर, सम्राट था, राइट। सो यहाँ पे आंसर आएगा एम्परर। फोर्थ, रामानंद ब्रॉट द थेफ्ट केस बिफोर डैश। तो रामानंद अपना चोरी का जो केस था वो किसके सामने लेके आया, तो बिफोर यहाँ पे कौन आएगा, बीरबल, राइट। सो रामानंद ब्रॉट द थेफ्ट केस बिफोर बीरबल। रामानंद अपना जो चोरी हुआ था तो उस केस को सॉल्व करने के लिए वो अकबर की कोर्ट में गया और उसने बीरबल की हेल्प मांगी, राइट। फिफ्थ, रुचि नेवर मिस्ड स्कूल विदाउट एनी डैश। तो आपको पता है कि रुचि कभी भी स्कूल मिस नहीं करती थी अगर कोई रीजन नहीं होता था, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट एनी रीजन। सो अगर कोई कारण नहीं होता था तो वो बिल्कुल भी अपनी स्कूल मिस नहीं करती थी। रुचि वॉज अ डैश गर्ल स्टडिंग इन ग्रेड 3। तो रुचि कैसी लड़की थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट गर्ल। सो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ब्रिलियंट। सेवन, वी कैन नॉट डू ऑल आर वर्क, क्या आएगा यहाँ पे, आर सेल्फ, राइट। तो हम खुद से अपना सारा काम नहीं कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट डू ऑल आर वर्क आर सेल्फ। सो यहाँ पे आंसर आएगा आर सेल्फ। एट, वी शुड ट्रीट दिस वर्कर्स डैश, यानी कि हमें वर्कर्स को कैसे
ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। सो यहाँ पे आंसर आएगा वेल, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 9, प्लांट्स एंड ट्रीज आर डैश फ्रेंड्स। तो ये तो आप सभी को पता है कि पौधे एंड वृक्ष जो होते हैं वो हमारे क्या है, सबसे अच्छे मित्र है, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा बेस्ट फ्रेंड्स। 10th, इट इज फ्रॉम डैश दैट वी गेट वुड फॉर फर्नीचर। तो हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है, ट्री से, राइट। सो इट इज फ्रॉम ट्री दैट वी गेट वुड फॉर फर्नीचर। नाउ क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ डिड द बॉय सपोर्ट हिज फैमिली। सो आंसर आपको पता है, बच्चा कैसे अपनी फैमिली को मदद करता था। तो बच्चा रोज हर रोज वो फ्रूट्स बेच के पैसे कमाता था और ऐसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था। सो द बॉय सपोर्ट हिज फैमिली बाय सेलिंग फ्रूट्स एवरी डे, राइट। सेकेंड, वॉट काइंड ऑफ बॉय वॉज श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार कैसा लड़का था। सो आप सबको पता है कि श्रवण कुमार वॉज एन ओबीडियंट सन। तो श्रवण कुमार एक ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन्ड बॉय था, राइट, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। थर्ड, वो वॉज रामानंद। तो रामानंद कौन था। सो रामानंद वॉज अ रिच फ्लोरिस्ट बिजनेसमैन, है ना। सो रामानंद जो था वो अकबर की साम्राज्य में रहने वाला एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, राइट। फोर्थ, वो हेल्प रामानंद टू गेट पैक हिज वैल्यूएबल आइटम्स। सो रामानंद को किसने मदद की, जिससे उसकी सारी कीमती जो चीज़ें थे जो चोरी हो गई थी वो वापस मिल गई। आप सबको पता है कि ये किसने किया था, बीरबल ने, राइट। सो बीरबल हेल्प रामानंद टू गेट पैक हिज वैल्यूएबल आइटम्स। फिफ्थ, वाई डिड रुचि फॉल सिक। तो रुचि बीमार क्यों हुई। तो आप सबको पता है कि एक दिन बारिश में रुचि ने अपनी स्कूल बस मिस कर दी और वो भीगते हुए अपने घर तक चल के गई, जिससे वो बीमार पड़ गई। सो रुचि फॉल सिक बिकॉज शी वॉक्ड थ्रू इन रेनी डे टू हर हाउस। सो दैट्स वाई शी फॉल सिक। सिक्स्थ, How did Ruchi score high and stand first in her class? So Ruchi का सबसे अच्छे marks कैसे आए और वो अपनी class में first कैसे आई? So as you know कि Ruchi बीमार थी, फिर भी उसने पूरे साल पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ पढ़ाई की थी, right? तो जिससे वो ठीक होने के बाद वापस से स्कूल गई अपने एग्जाम के दिन में और उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अच्छे से उसकी एग्जाम दी, जिससे वो उसके सबसे अच्छे मार्क्स आए और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई। ओके, सो रुचि स्कोर हाई एंड स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास एज शी गेव हर बेस्ट इन एग्जाम। 7, हु रिपेयर योर शूज। तो आपके शूज कौन रिपेयर करता है। So you know, कौन, मोची, यानी कि कॉबलर। So कॉबलर repairs your shoes. How does the washerman help us? So washerman हमारी कैसे मदद करता है। So washerman जो है वो हमारे heavy and बहुत ही जो clothes गंदे हो गए होते हैं उसको wash करके देता है, because हम सारे कपड़े खुद से नहीं धो सकते, राइट। अपना सारा काम हम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए हमें
वॉशरमैन की, कॉबलर की, जैसे हमने सारे अपने हेल्पर्स की पढ़ाई की थी राइट, उनसे की हमें हेल्प चाहिए। तो इसलिए वॉशरमैन हेल्पर्स बाय वॉश्ड आर हैवी क्लोथ्स। नाइन, हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो पक्षियों और पशुओं को ट्रीज जो है वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो आपको पता है कि बर्ड्स अपने जो है नेस्ट वो ट्रीज की डाली पे लगाते हैं राइट, और जो पशु है वो ट्रीज की जो शेड होती है उसके नीचे आराम करते हैं राइट। सो बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड एनिमल्स टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। ओके, टेंथ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज फॉर अस। तो हमारे लिए ट्रीज के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सो एज यू नो कि जो ट्रीज है वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें शुद्ध वातावरण देते हैं ठीक है। देन आफ्टर दे गेव अस फ्रूट, फूड एंड वुड राइट। ट्रीज जो है वो बारिश लाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे काफी सारे एडवांटेजेस हैं जो ट्रीज हमें देते हैं राइट। नाउ क्वेश्चन सी, राइट इन योर ओन वर्ड्स, Why is it necessary to grow more trees? तो बच्चों आपको खुद से यहाँ पे आंसर लिखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज क्यों प्लांट करने चाहिए राइट। तो उसका आंसर आपको लिखना है। देन आफ्टर क्वेश्चन डी, राइट सिक्स क्वालिटीज ऑफ बिरबल फॉर विच ही वॉज फेमस फॉर। तो बिरबल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी, ऐसी आपको सिक्स क्वालिटीज लिखनी है। तो बिरबल में ऐसा क्या था, उसकी क्या क्या क्षमताएं थी, वो सारी आपको लिखनी है। ई, राइट इन योर ओन वे दैट व्हाट हैपन्स व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड विथ सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी के साथ आप जब काम करते हो तो आपके साथ क्या क्या होता है, तो वो आपको आपके वर्ड्स में लिखना है। F, write in your own words why we need others to do our work and write the ways how they help us। तो हमें दूसरों की हेल्प अपने काम करने में क्यों चाहिए होती है और वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन जी, राइट नेम ऑफ एनी 12 हेल्पर्स। तो हमें रोज बरोज के कामों में जो हेल्प करते हैं ऐसे 12 लोगों का नाम आपको लिखना है। सो आई होप यू ऑल विल डेफिनेटली गिव अ राइट आंसर्स राइट। सो कंप्लीट योर सबमिटिव एग्जाम, write your question and answer, और रुचि के जैसे आपको भी अच्छे से आपका बेस्ट देना है राइट। सो कंप्लीट बोथ एक्सरसाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।